Hello and welcome once again. Now we are going to discuss section 93 of the Indian Evidence Act. So section 93 baat karta hai exclusion of evidence to explain or amend ambiguous document. Exclusion of evidence ka matlab hai evidence exclude kar rahe hain to explain or amend ambiguous document. Ke koi document jo ambiguous hai matlab jisme kahin na kahin mistake aapko upar se dikh rahi hai. टू एक्सप्लेन और अमेंड. टू एक्सप्लेन मतलब कि आप क्या कहना चाह रहे हो, आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, या फिर टू अमेंड मतलब उसमें कुछ चेंज लाना चाह रहे हो. तो अब बात करते हैं व्हेन द लैंग्वेज यूज्ड इन अ डॉक्यूमेंट इज. जब कोई भी डॉक्यूमेंट में लैंग्वेज यूज करी जा रही है ऑन इट्स फेस. ऑन इट्स फेस मतलब प्राइमा फेसिया, एकदम दिखने से ही सामने से आपको नजर आए, मतलब एक तरह से पेटेंट एम्बिग्यूटी की बात आ रही है कि जो पेटेंट डिफेक्ट जो होता है कि सामने से ही आपको क्लियर दिख जाए ambiguous और defective कि भैया इसमें कुछ ना कुछ खराबी है, कुछ ना कुछ defect है. Evidence may not be given of facts which would show its meaning or supply its defects. तो evidence नहीं दिए जाएंगे जो उसका मतलब बताएं या फिर जो defects हैं उनको और बताएं, उनमें कुछ change करें, कुछ amend करें. तो यहाँ पे जो explain और amend की बात है वो यही है कि ना तो आप मीनिंग बताने के लिए दो ना फिर उसमें अमेंड करने के लिए दो. अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है तो उसका एविडेंस इररिलेवेंट है अगर वो डॉक्यूमेंट में जो बात लिखी हुई है वो एम्बिगुअस. इसमें इलस्ट्रेशन है ए एग्रीज इन राइटिंग टू सेल अ हॉर्स टू बी फॉर रुपीज 1000 और रुपीज 1500. एविडेंस कैन नॉट बी गिवन टू शो विच प्राइस वॉज टू बी गिवन. अब यहाँ पे ए भाई साहब बोल रहे हैं कि मैं आपको मेरा घोड़ा बेच दूंगा या तो 1000 रुपये में या 1500 रुपये में. तो यहाँ पे ए जो है वो कोई भी एविडेंस नहीं दे सकता कि मैं तो साहब 1500 में बात करना चाह रहा हूँ, कि मैं तो 1500 में बेचूंगा, कि मैं 1000 में बेचूंगा. ऐसा कोई एविडेंस नहीं दे जाएगा क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप जो कंसिडरेशन का अमाउंट है उसको ही क्लियर नहीं कर पा रहे. तो एक तरह से ये एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट है और ये पेटेंट डिफेक्ट है यहाँ पे. दूसरा है अ डीड कंटेन ब्लैंक्स. एविडेंस कैन नॉट बी गिवन ऑफ फैक्ट्स विच वुड शो विच वुड हाउ दे वर मीन टू बी फिल्ड. अब मैं एक डीड बनाता हूँ, वो डीड का जो डॉक्यूमेंट में मैंने उसमें दिया, मैं मेरी प्रॉपर्टी इस नई तारीख को खाली छोड़ दी, इस पर्सन को खाली छोड़ दी, ऐसे ये देता हूँ. अब उसमें मैंने ये लिखा ही नहीं है कि मैं मेरी कौन सी प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, किस पर्सन को दे रहा हूँ. तो यहाँ पे मैं उसका कोई एविडेंस दे सकता कि मेरा ये मन था कि मैं उस दिन ये बात लिखना चाह रहा था कि इस पर्सन को देना चाह रहा था, इतनी प्रॉपर्टी देना चाह रहा था, इतने दिनांक को देना चाह रहा था. तो ऐसा एविडेंस नहीं दे सकता क्योंकि वो डॉक्यूमेंट ही एम्बिगुअस है. दैट इज पेटेंट एम्बिगुइटी. होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.